लखनऊ में पुलिस पर टॉर्चर करने का लगा आरोप, कस्टडी में पूर्व प्रधान के साथ थर्ड डिग्री। प्रयागराज में देश की सुरक्षा और कोरोना से मुक्ति के लिए विशेष अनुष्ठान, माघ मेले की हुई शुरुआत। संभल में ट्रक और कैंटर के आमने सामने भिड़ंत, कैंटर चालक घायल। फिरोजाबाद में करंट की चपेट में आया युवक, युवक की दर्दनाक मौत। हमीरपुर में ठंड से नहीं लोगों को राहत, कड़कड़ाती ठंड ने लोगों का जीना किया मुहाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में सरोजनी नगर तहसील में अधिवक्ता संघ ने 3 दिवसीय कार्य का बहिष्कार किया है। मोहनलालगंज में कुछ दिन पहले पुलिस द्वारा अभद्रता और लगभग 300 अधिवक्ताओं पर मुकदमा दर्ज किए जाने के समर्थन में अधिवक्ता संघ ने तहसीलों और उपनिबंधक कार्यालय में कामकाज को ठप किया गया था। आपको बता दें कि तहसील परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं सरोजनी नगर तहसील बार में एसोसिएशन के अधिवक्ता मनोज कुमार यादव ने बताया कि जब तक दोषी पुलिस अधिकारी पर कार्यवाही और अधिवक्ताओं पर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे, लगातार हमारी हड़ताल जारी रहेगी। थाने में पुलिस वालों ने उनको बंद कर दिया और उनके लगभग 250 से 300 अज्ञात अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके विरोध में सभी तहसीलों में आज तालाबंदी की गई है और ये जो हड़ताल की गई है वो 3 दिनों के लिए है। आज और कल और परसों यानी कि 11 तारीख तक के लिए हड़ताल की गई है। जितनी भी हमारे प्रदेश की तहसीलें हैं उन सभी में कोशिश की गई है कि सभी जगह हड़ताल प्रभावी रहे। एसोसिएशन ने पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ जो है बंद का आह्वान किया था, जिसमें लखनऊ बार, सदर बार, तहसील सदर बार, बीकेटी बार, सेंट्रल बार, मोहनलालगंज बार व बीकेटी बार ने सामूहिक जो है हड़ताल किया था, कार्य बहिष्कार किया था। उसका समर्थन सरोजनी नगर बार एसोसिएशन ने भी किया कि अधिवक्ताओं को आए दिन जब भी होता है। लखनऊ में जमीनी विवाद में हुई फायरिंग को लेकर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया था। वहीं इंदिरा नगर पुलिस पर आरोप ये भी है कि पूर्व प्रधान विशाल यादव को थाने के अंदर थर्ड डिग्री दिया गया। आपको बता दें कि पूर्व प्रधान विशाल यादव की हालत नाजुक बनी हुई है। पूर्व प्रधान बलरामपुर हॉस्पिटल में ICU में भर्ती हैं। इससे पहले पूर्व प्रधान विशाल यादव ने अपने आप को जमीन विवाद में पुलिस के हवाले किया था, जहाँ उसके साथ पुलिस ने बदसलूकी की। धर्म की नगरी प्रयागराज मेले लगे माघ मेले में आए साधु संत सिर्फ धर्म, अध्यात्म, गंगा और मंदिर धर्म पर ही चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी चिंतित हैं। देश में बढ़ती महंगाई और रोजगार के घटते अवसरों से फिक्रमंद भगवाधारी अभिनय ठीक करने के आध्यात्मिक अलख जगा रहे हैं। माघ मेले में देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने की कामना के साथ विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। महंत मौनी बाबा के पंडाल में रुद्राक्ष की बनी शिवलिंग और 4 अलग रंगों के त्रिशूल की पूजा की जा रही है। आपको बता दें कि त्रिशूल पूजा के साथ ही विशेष हवन और आरती भी हो रही है। वहीं कोरोना महामारी दूर करने और रोजगार के मौके बढ़ने की कामना के लिए माघ मेले के पहले दिन पौष पूर्णिमा से ही अनुष्ठान शुरू कर दिया गया है, जो कि पूरे 1 महीने तक चलेगा। ये राष्ट्र रक्षा के निमित्त यहाँ विगत 37 वर्षों से तीर्थराज प्रयाग जो भगवान ब्रह्मा की यज्ञ भूमि है, उस पावन भूमि पर माघ मास के पावन अवसर पर जब 14 भुवन के समस्त देवी देवता देव दनुज किन्नर नरश्रेणी सादर मज्जय सकल त्रिवेणी आगर के यहाँ निवास करते हैं, उस पावन अवसर पर यहाँ पर यज्ञ का संकल्प लिया गया है। राष्ट्र रक्षा के लिए राम मंदिर के साथ काशी मथुरा में मंदिर निर्माण के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, कोरोना महामारी के विनाश के लिए, देश की संपन्नता के लिए, देश की रक्षा के लिए और विश्व से आतंकवाद के समाप्त के लिए यहां 4 प्रकार के त्रिशूल स्थापित किए गए हैं। काले रंग का त्रिशूल आतंकवाद के विनाश के लिए होता है, रक्त त्रिशूल जो है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए।
संभल में असमोरी मरण क्षेत्र के गांव मुबारकपुर में ट्रक और कैंटर की आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में एक कैंटर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना में ट्रक चालक सही सलामत बच गया। आपको बता दें कि यह हादसा घने कोहरे की वजह से हो गया। इस घटना में घायल के पास के ही निजी अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। रोड पर आ रहा था वो, उसे लाइटें भी दी थी, फिर लाइटें देने के बाद भी वो नहीं समझ पाया। हमने ब्रेक बतेरे लगाए, उन्होंने ब्रेक न लगाए, गाड़ी दोनों आपस में पड़ गई। तो किस किस के चोट लगी उसने? एक ही बंदे की चोट आई। वाली क्या नाम है उनका जिनके चोट लगी है? आसिफ मलिक। अच्छा, आपकी जो गाड़ी थी जिस पर आप थे उस उन लोगों की चोट लगी, दूसरी गाड़ी वालों की भी लगी? जिस पर हम थे उस पर चोट लगी, दूसरी जो सामने से आके लगी गाड़ी उसमें किसी की चोट नहीं आई। किसी की चोट नहीं आई है, नुकसान भी हमारी गाड़ी में। लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ के पास बजाज चीनी मिल द्वारा किसानों के पिछले वर्ष के गन्ने का भुगतान नहीं किए जाने से आक्रोशित किसानों ने मिल के चेयरमैन कुशाग्र बजाज का पुतला दहल कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। बताया कि गन्ना भुगतान को लेकर कड़ाती ठंड में गन्ना विकास किसान आंदोलन पर है और लगातार आज 8वें दिन स्थानीय गन्ना समिति परिसर में किसान धरने पर बैठे हैं। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के प्रदेश महासचिव अमनदीप सिंह संधू, जिलाध्यक्ष बलकार सिंह सहित बहुत बड़ी संख्या में किसानों ने बजाज मुर्दाबाद के नारेबाजी कर उनकी मांग है कि सरकार गंभीर हो, किसानों का बकाया गन्ना भुगतान कराएं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि गन्ने का पिछले वर्ष का गन्ने का भुगतान अभी हमारे लखीमपुर खीरी का और पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश का भी बकाया लगभग 1400-1500 करोड़ रुपया गन्ने का भी बकाया है किसानों का, और इस साल भी लगभग 2 महीने से ऊपर हो गई है मिल चलते हुए। इस साल के भुगतान का तो अभी कोई अता पता नहीं है। और आज हमारे भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी और हमारे सहयोगी ऋषि जी काफ़ी दिनों से हम लोग यहाँ 5-6 दिन से 7 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या मिल विभाग से अभी कोई भी कोई वार्ता करने के लिए नहीं पहुँचा। अमरोहा में हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के पास गांव लोहारी खादर में आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी की है। टीम ने जिला आबकारी अधिकारी अनुराग मिश्रा के निर्देश पर आबकारी निरीक्षक गौतम कुमार सिंह ने छापेमारी करके अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की। आपको बता दें कि कार्यवाही के दौरान 15 लीटर कच्ची शराब बरामद भी की गई और इसके साथ ही करीब 300 लीटर लहन नष्ट भी किया गया। अमरोहा में गजरौला के पास होटल में डीएमबीके त्रिपाठी की अध्यक्षता में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें कई राज्यों से आए विभिन्न उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। वहीं डीएम ने कहा कि जिले में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। वहीं उद्योगपतियों को बताया गया कि अगर आप निवेश करते हैं तो आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी। इन्वेस्टर समिट डे का आयोजन जनपद अमरोहा में ये किया गया है। अभी आपने देखा ये गजरौला में हम लोगों ने इसको आयोजित किया है और यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो कि दिल्ली के, नोएडा के, गाज़ियाबाद के भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इसका उद्देश्य है कि कैसे इन्वेस्टमेंट अमरोहा में बढ़ाया जाए। अमरोहा की जो लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पे एक तो NH जा रहा है, प्लस गंगा एक्सप्रेसवे भी यहाँ पे आपका निर्माणाधीन है और ये NCR के बाद जो बॉर्डर का सबसे निकटस्थ हमारा जो ज़िला है वो आता है, तो कनेक्टिविटी को लेके बहुत ही अच्छी यहाँ संभावनाएं हैं और ऑलरेडी जो हमारी इंडस्ट्री यहाँ पे चल रही हैं उनका भी रिजल्ट परिणाम बहुत अच्छा है। औरैया में जल्दी बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका मिल सकता है। आपको बता दें कि बिजली दरों में इजाफा होने वाला है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने राज्य विद्युत नियामक आयोग को दरें बढ़ाने का प्रस्ताव सौंपा है। इस प्रस्ताव में सबसे ज्यादा भार घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ने की संभावना है। साल 2023 और 2024 के लिए बिजली दरों में औसतन 16% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव है। इसके साथ ही घरेलू कैटेगरी की दरों में 18 से 23% बढ़ोतरी की बात की गई है। इतना ही नहीं, पावर कॉरपोरेशन ने नियामक आयोग को फिक्स चार्ज 110 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए करने का भी प्रस्ताव सौंपा है। कहना क्या, सरकार तो ताना था ही भैया, अपना रही है, अपना चला रही है, पैदा इतना हो नहीं रहा है खेती में या कहीं से, कहां से बिल इतना बढ़ रहा है।
कब तक इतना, ये तो चार्ज हर टाइम बढ़ते रहते हैं, हर छः महीने में बढ़ाते हैं, हम लोग कुछ नहीं बढ़ रहा है। सरकार तो बढ़ाए जा रही है, सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि किसानों के लिए कुछ करे। किसान की सीधा सीधा हत्या है, किसान जब बिजली का बिल बढ़ेगा, पानी समर वाले पैसे बढ़ाएंगे, इधर गैया जंगली जानवर खाए जा रहे फसल को, किसान के मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं, फिर तो मैं धरना पे बैठेंगे किसान, सारी व्यवस्था होगी, 2024 में इसका जवाब भी मिलेगा सरकार को। ये बढ़ाना घटाना, वैसे भी पब्लिक मर रही है, बिन बरसात मौसम बरसा हुई, बाजरा धान उसमें चला गया, बारिश ये नहीं हो रही, अब गेहूं में पानी पाँच पाँच छः छः लग रहे, कैसे लगाएगा, मरेगा किसान, खाद वो नहीं मिल रही, खाद की वो महंगाई, सारी व्यवस्थाएं मांगे सरकार की। बिजली बढ़ाई जा रही है, सिलेंडर महंगा किया जा रहा है, खाद्यान्न महंगा हो रहा है, सब्जी महंगी हो रही है, एक आम आदमी अपना जीवन यापन कैसे करेगा, कैसे बच्चों को पालेगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा। ये बिजली विभाग की मनमानी, मीटर पता नहीं किस हिसाब से बिल आता है, 500 हज़ार 800 रुपए बिल आ रहा है, जबकि ज़्यादा कुछ उपयोग भी नहीं कर रहे हम लोग, ऐसे कब तक चलेगा। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, माननीय योगी जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। फिरोजाबाद में फरिया थाना क्षेत्र के पास शादी समारोह से लौट रहे युवक करिंग की चपेट में आ गया। इस हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ठंड का सितम लगातार जारी है। इस कड़कड़ाती ठंड ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। घने कोहरे और ठंड के कारण सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। वाहन रेंगकर चलते दिखाई दे रहे हैं। अधिकतर लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। साथ ही काम करने वाले लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें कि न्यूनतम पारा 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जिसके कारण गलन बरकरार है। वाहन में दिक्कतों का सामना, बच्चों को पढ़ाई पढ़ने आने में दिक्कत, क्योंकि कोहरा ज़्यादा है, सबसे अधिक कोहरा आज 95% कोहरा आज। वाहनों की क्या रफ्तार, यात्री किस तरीके से यात्रा कर रहे हैं? यात्री किनारे से जा रहा है, रोड के किनारे से, वाहन तो दिखाई दे नहीं रहे। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।